हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर GSCTI। प्रोग्रामिंग के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी पूरी जानकारी हम देंगे कि प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी की आज की इस दुनिया में इसका क्या स्कोप है प्रोग्रामिंग का। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने सब्जेक्ट को। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका टेक्नोलॉजी की दुनिया में यानी कि आज के समय में क्या स्कोप है प्रोग्रामिंग का। तो फर्स्ट हम देखते हैं तेज़ी से बढ़ती इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर हम पीछे रह जाएं तो पीछे ही रह जाएंगे। अगर हमें समय के साथ चलना है तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। आजकल कोई भी चीज़ होते या टेक्नोलॉजी को बदलते समय नहीं लगता है। आजकल हर काम आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बहुत सारे काम हमारे इंटरनेट के ज़रिए होते हैं। इंटरनेट की मदद से हम हमारे बहुत सारे काम को आसान बना सकते हैं और ऐसे में इन सब के होने से बनने तक में अगर कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो सब प्रोग्रामिंग की मदद से किया जाता है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और आप कैसे प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको प्रोग्रामिंग और इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को बताने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। और अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। जो प्रोग्रामिंग होती है वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने का एक तरीका है। जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने का एक तरीका है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं द्वारा कुछ निर्देश बनाए जाते हैं। इन निर्देशों के ग्रुप को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ एक्सेट्रा। यानी कि जो प्रोग्रामिंग होती है ये कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला करके बनाई जाती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और इन्हीं को मिला करके प्रोग्रामिंग की जाती है। यानी इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखकर जो इन लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं वही क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें इसे तो जैसे कि हम इंसान कुछ भाषाओं जैसे हिंदी, इंग्लिश, जैपनीज, फ्रेंच को समझ सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के मामले में भी है। कंप्यूटर निर्देश को समझते हैं जो एक विशिष्ट वाक्यात्मक रूप में लिखा जाता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा कह सकते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये कार्य क्या करती है, यानी कि इसके यूज़ क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करती है, तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग की मदद से ये बताया जाता है कि उसे क्या करना है। कंप्यूटर पर हम जो भी चीज़ें इनपुट करते हैं और फिर उसके बाद कंप्यूटर में जो दिखाया जाता है वो प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर की मदद से ही प्रोग्रामिंग की जाती है और बहुत सारे काम किए जाते हैं। आपका जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन को बनाने के लिए और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसे प्रोग्रामिंग की मदद से किया जाता है। प्रोग्रामिंग को ही कोडिंग भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि कोडिंग क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी जानेंगे कि कोडिंग क्या होती है। इसके अब हम ये देखते हैं कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद ये उत्तर दिया जाने वाला बड़ा सवाल है कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आइए समझते हैं क्यों आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। तो फर्स्ट है कि प्रोग्रामिंग करना क्या है। तो प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप अपना खुद का गेम, अपना खुद का ब्लॉग, प्रोफाइल, वेबसाइट पेज, फेसबुक जैसी एक सोशल नेटवर्किंग साइट, गूगल जैसे सर्च इंजन या अमेजन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। क्या यह आपके लिए आसान नहीं है अपनी खुद
खुद की गेम बनाने और प्ले स्टोर पर डालने के बाद उसके डाउनलोड होने के बाद आप कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था प्रोग्रामिंग का यूज़, यानी कि क्यों सीखना चाहिए हमें प्रोग्रामिंग। तो इससे क्या है, हमें फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो इसी की वजह से चल रही हैं, लाइक जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न और कई अन्य कंपनी में जो भी काम किया जाता है वो सब प्रोग्रामिंग की मदद से किया जाता है, और जो इस काम को करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। आप भी अच्छी प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या अपनी खुद की कंपनी भी बना सकते हैं। तो अच्छे स्कोप के साथ साथ अच्छी कमाई भी होती है। एक प्रोग्रामर को अच्छी प्रोग्रामिंग आती है तो उसके लिए आज की तारीख में काम की कमी नहीं है, वो किसी कंपनी में या फ्रीलांस काम करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनी हैं तो अपने प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं। आप भी प्रोग्रामिंग सीखकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसका स्कोप क्या है, आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें प्रोग्रामिंग सीखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम इसे सीख कर क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी चीज़ें बताई गई उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो हमारी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।